Hello guys, welcome back to our channel Shravi Life in Abroad. I'm Shreya, living in Germany with my husband Ravi and with my little daughter Ansa. So, आज का टॉपिक है कि जर्मन स्टोर्स जहाँ पर हम ग्रोसरी लेने जाते हैं, यहाँ के ग्रोसरी जर्मन स्टोर कैसे होते हैं, वहाँ पर किस तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या आप ले सकते हैं जर्मन ग्रोसरी स्टोर्स में. और जर्मन ग्रोसरी स्टोर्स में जैसे आपका इदेका हो गया, रेवे हो गया, लिडिल हो गया, आपका एल्डी हो गया, बहुत सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं. इसके साथ साथ जो इंडियन ग्रोसरी स्टोर होते हैं वो अलग होते हैं और उनकी ग्रोसरी मतलब जो पर्टिकुलर ग्रोसरी हमें इंडियन स्टोर से लेनी है हम इंडियन स्टोर से लेते हैं. बट आज मैं आई हूँ जर्मन ग्रोसरी स्टोर इदेका और मैं यहाँ पर करने वाली हूँ आज शॉपिंग ग्रोसरी की और साथ ही साथ आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे किस तरीके के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उनके क्या प्राइस है और उनके जो यूरो में प्राइस हैं, यूरो के प्राइस को मैं INR यानी इंडियन रुपीस में भी यहाँ टेक्स्ट में स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी. आप देख रहे होंगे मेरे ये आसपास का पार्किंग वाला जगह है जहाँ पर मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है. तो आज मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर ग्रोसरी स्टोर के और दिखाती हूँ यहाँ पर वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स वगैरह हैं, ओप्स, गेम्यूज और डेयरी प्रोडक्ट्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग विच आर अवेलेबल देयर. I will show you. अंदर जाने से पहले हम पिक करेंगे ट्रॉली. यहाँ पर आप डायरेक्ट ट्रॉली को पिक कर सकते हो, यहाँ पर पॉइंट सिस्टम नहीं है. लेकिन कुछ अदर स्टोर्स में जैसे वे भी आप नेटो वगैरह जाते हो तो वहाँ पे पॉइंट सिस्टम होता है. वहाँ पे 50 सेंट्स का या 1 यूरो का आप पॉइंट लगाते हो और फिर ट्रॉली को आप पुल कर सकते हो. और जब आप ट्रॉली को मतलब रिटर्न करोगे, उसमें जो एक बेल्ट होती है, जब उसे आप अंदर इंसर्ट करोगे तो वो क्वाइन आपको वापस मिल जाता है. तो ये सिस्टम है. लेकिन फिर भी ये जो सिस्टम है ये कभी हम आपको किसी वीडियो में जरूर दिखाएंगे. मैंने शायद दिखाया भी हुआ है ऑलरेडी. हाँ, एक ग्रोसरी को ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है. जैसे बहुत टाइम से हम इदेका आते हैं ग्रोसरी का शॉपिंग करने, लेकिन इसके पहले हम ऑफलाइन भी जाते थे. वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उसका लिंक, वो जरूर देखिएगा आप. और इस वीडियो को भी देखिए, एंजॉय करिए और आप जहां पर भी बैठे हैं वहां बैठ कर आप समझिए कि क्या डिफरेंसेस है. तो जस्ट एंट्रेंस के एरिया में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लांट्स रखे हैं. आप जैसे आते जाते यहाँ से प्लांट्स भी पिक कर सकते हैं. बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ये सनफ्लावर का भी ऑप्शन है जो बहुत प्यारा लग रहा है. और साथ ही में चलिए चलते हैं अंदर. तो जैसे कि यहाँ पर खूब सारे फ्लावर्स का भी ऑप्शन है, आप कोई भी ब्यूटीफुल तो यहाँ पर आपको कैफे का ऑप्शन भी मिल जाएगा. आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे सिटिंग का ऑप्शन भी है. आप यहाँ पर कॉफी पिक करके और आराम से अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं. आपको यहाँ पर ब्रेड, केक्स, बहुत सारी चीजों के ऑप्शन मिल जाएंगे फ्रेश. और साथ ही में यहाँ पर एक काउंटर और दे रखा है. तो जो लोग सुशी मेरी तरह बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर सुशी के ऑप्शंस भी हैं. ग्योजा यानी कि आपको मोमोज भी मिल जाएंगे. बट ये सारे ना ये तो चिकन है, चिकन मोमोज है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है होम चेन ये चिकन मोमोज है. और इसके साथ साथ और भी आपको यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन सुशी वगैरह के भी मिल जाएंगे. तो ये भी एक काउंटर आपको मिलेगा जहाँ पर आपको जापानीज रेसिपीज भी मिल जाएंगी. तो सबसे पहले जो हम सेक्शन की शुरुआत कर रहे हैं वो है ऑनियन और पोटैटो वगैरह. तो यहाँ पर ऑनियन के भी बहुत सारे ऑप्शन है, गार्लिक भी है, गार्लिक भी है और यहाँ पर है पोटैटो. तो आपको इस तरीके से जैसे कम क्वांटिटी में लेना है तो ये ग्रीन कलर से जो पैकेट है ये आपके पास ऑप्शन है. बाकी एक ऑप्शन आपके पास ये भी है, ठीक है. ये जैसे सैलड वगैरह के लिए अगर आपको ऐसे बॉइल्ड करके खाने हैं ना तो ये मोस्टली उसके लिए यूज़ के लिए जाते हैं. और बाकी यहाँ पर जैसे ये ब्लू पैकेट है, रेड पैकेट है, ग्रीन पैकेट है. जैसे अपने होता है ना एकदम नया आलू होता है और थोड़े कुछ पुराने आलू होते हैं. इनका जो प्राइस है मतलब 1 kg है 1 euro 50 cents. यहाँ पे मतलब ये 2 kg का पैकेट है तो ये हो गया आपका 2.99 euro 99 cents का. और इसके साथ साथ जैसे ऑनियन की बात करूँ, मुझे पोटैटो और ऑनियन पिक नहीं करने हैं क्योंकि कल ही रवि लेके आए हैं और बड़ा पैकेट ला के उन्होंने रखा है. और यहाँ पे ऑनियन के भी ऑप्शन हैं. जैसे मैं जो ले जाती हूँ वो इसमें या जो ये रेड ऑनियन है ये भी ऑप्शन है मोस्टली सैलड में या वैसे भी आप चॉप वगैरह करके कुछ कुकिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं. और साथ में ये ऑप्शन भी है. तो इसका जो प्राइस है ऑनियन का वो है आपका 1.69, ठीक है. तो जैसे आप 1 kg लोगे तो आपको 3 euro 38 cents का पड़ेगा. और साथ में ये ऑप्शंस भी हैं. अब यहाँ पर गार्लिक, लहसुन कितने का मिलता है जर्मनी में तो लहसुन आपको ऐसे अलग से ऐसे स्टुक भी मिल जाएंगे. यहाँ पर पीस को बोलते हैं स्टुक.
तो ऐसे आपको स्टूप भी मिल जाएंगे सिंगल अगर लेने हैं, जैसे कि कोई सिंगल बंदा है उसको नीड नहीं है इतना सामान लेने की तो वो अकेला लेसन भी ले सकता है। और साथ में आपको ऐसे पंचेस भी मिल जाएंगे ये इस तरीके से। तो इसका जो प्राइस है वो है 3.69 जो पर पैकेट बोलेंगे वो है 3.69 यूरो। और इस तरीके से जो आप स्लिप देखेंगे ना ये जो रेड से मेंशन होता है मतलब इसमें कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पर जो ये मशरूम है इनके अलग अलग प्राइस हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसकी तो इसका रेट है इस वाले मशरूम की आप कोई भी ले लो ब्राउन वाइट कोई भी ले लो तो दोनों का ही प्राइस सेम है 2.99 यूरो है। ये वाला है थोड़ा आई थिंक बड़े साइज में है तो ये 3.99 यूरो में है। तो मैं लूँगी डिस्काउंट वाला ऑब्वियसली। अब यहाँ पर बहुत तरह के आपको ऑप्शन मिलते हैं जो ये हम फूल गोभी बोलते हैं ये। सो एक तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा फूल गोभी नहीं पात गोभी होती है पत्ता गोभी बोलते हैं। अच्छा मेरे को पता ही नहीं था मुझे सिर्फ गोभी मालूम है। ये पत्ता गोभी से पत्ते निकलते हैं ओके। सो ये है इसके साथ साथ ये भी ऑप्शन है देखिए रेड पत्ता गोभी जो कि सैलड वगैरह में यूज करी जाती है या किसी भी चीज़ में ऊपर से गार्निश करने के लिए। साथ में एक ये भी ऑप्शन है जिसका चाइनीज वीडियोज में अगर आपने देखा होगा तो किमची बनाते हैं किमची सैलड तो ये उसके लिए मोस्टली यूज करते हैं। और यहाँ पे एक और नए तरीके का ये भी है इसका शेप अलग है बट सेम है सेम पत्ता गोभी। तो इसका प्राइस क्या है इसका प्राइस है अलग अलग प्राइस है क्योंकि इसका जो प्राइस है जैसे आप यहाँ पे पढ़ोगे वेरी स्कोल मतलब वाइट वाला तो 1.59 यूरो का और रोड कोल का प्राइस है 1.49 यूरो का रोड मतलब रेड। अब हम आते हैं यहाँ पर आगे सेक्शन में कैरेट में। कैरेट मुझे लेनी है मैं कोई भी पैकेट पिक कर लूँगी ये साइड वाले ही पिक कर लेती हूँ। सो इसका प्राइस क्या है 1.49 यूरो इसका प्राइस है। जो कि हम बात कर रहे थे ना फूल गोभी की वो ज्यादा दूर नहीं थी पास में थी तो फूल गोभी देखिए एक तो ये ऑप्शन में है, तो डिफरेंट है, ग्रीन, ग्रीन अंदर से व्हाइट है ऊपर से ब्रोकली का कलर है लेकिन आप देखो तो पास से कितना प्यारा इसमें डिजाइन है ना सुंदर है ये ब्रोकली तो ये हाँ ब्रोकली ये ब्रोकली का जो प्राइस है वो है ब्रोकली का प्राइस मैं देख रही हूँ यहाँ पर लगा हुआ ये 2.29 यूरो है। जो यहाँ पर व्हाइट वाली है उसका प्राइस है 2.69 यूरो पर पीस। और मुझे लेना है ये वाला क्योंकि मुझे सैलड वैलड में यूज करना होता है ज्यादा तो मैं ये सॉफ्ट वाला लूंगी जो आपको मैंने दिखाया है ना एक पत्ता गोभी उसका ये सॉफ्ट वाला है और ये है 88 सेंट्स का। और जैसे ये बीन्स वगैरह है ना इस तरीके से आपको मिल जाती है पैकेट्स में ये देखिए ये कितना क्वान्टिटी में है ये 400 ग्राम है आप के जी भी लिए देखें। और इसका जो प्राइस है मैं देख रही हूँ फिलहाल अभी हाँ ये है 3.49 यूरो का। यहाँ पे सैलड के लिए कैबेज के बहुत सारे ऑप्शंस हैं मैं कैबेज ही बोल रही हूँ सबको ओवरऑल लेकिन आप देख लो कितने सारे ऑप्शंस हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ये रोड छूबे यानी चुकंदर वो भी है यहाँ पर 2.69 यूरो का कोई भी पीस ले सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी घर में है जैसे डिटॉक्स वाटर वगैरह मैं बनाती हूँ तो यूज़ करती हूँ हेल्दी रहता है और ऐसे भी आप खा सकते हो एज अ सैलड भी खा सकते हो। तो यहाँ पे जो ये वेजिटेबल है यहाँ पर आप पर स्टूप भी ले सकते हो पर केजी भी ले सकते हो और साथ ही में एक बहुत ही सुंदर चीज़ मिली है ये इसका नाम मुझे नहीं पता अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं ले जाती हूँ ये वाले पैकेट जिसमें कि आपको ऐसे रेड येलो ग्रीन सारे कलर्स में मिल जाएगा पपरिका और मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ पास्ता बनाने में। तो इसका जो प्राइस है पपरिका का मिक्स लिखा है पपरिका मिक्स 1.69 यूरो है। आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो कि प्राइजेस आपको मालूम पड़ रहे हैं और आप अलग अलग स्टोर में जाओगे तो थोड़े डिफरेंस भी आपको प्राइस में नज़र आ सकते हैं। और साथ में टोमेटो के भी ऑप्शन बहुत सारे हैं आप देख लो ये डार्क टोमेटो ऑरेंज टोमेटो येलो टोमेटो ये मिनी टोमेटो सैलड के लिए ये कलरफुल अलग हैं टोमेटोज और ये जैसे प्योर रेड में है और थोड़े बड़े में ऑप्शन लेने हैं तो ये हैं। बताइए भैया आपको कौन सा लेना है कितने किलो लेना है कितनी वैरायटीज हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास वहां से लेकर ये देखो इतना सेक्शन ही है। तो आज मैं सैलड के लिए ले लेती हूँ ये क्योंकि इसमें डिस्काउंट भी है
और ये 180 ग्राम है जो कि 1 यूरो 79 सेंट्स का आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं ये वाले टोमेटो भी लेना चाहूँगी, ऑलरेडी है घर पे, बट जब आप इंडियन करी बनाते हैं तो टोमेटो अच्छा खासा लगता है, और जब टोमेटो अच्छे से आप यूज़ करते हो तो करी भी अच्छी बनती है। तो मैं लूँगी यहाँ से पहले ये, और फ्रेश टोमेटो है देखिए, एकदम ऐसा लग रहा है ना फील्ड से आए हुए टोमेटो। और साथ ही में आपको यहाँ पर फ्रूट का सेक्शन मिल जाएगा, बट फ्रूट्स हम प्रेफर करते हैं, हमारा जो HBF है वहाँ पर बहुत सारे आई थिंक 2-3 ऐसे अर्बन स्टोर्स हैं जहाँ पर बंक में आपको फ्रेश और बहुत सारे फ्रूट्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे, और रेट भी मैं कहूँगी कि बेटर रहते हैं, मतलब यहाँ से लो प्राइस में वहाँ पर मिलता है और फ्रेश मिलते हैं, ऐसा नहीं कि लो प्राइस है तो आपको फ्रेश नहीं मिल रहा होगा, क्वालिटी नहीं अच्छी होगी, क्वालिटी भी अच्छी फ्रेश भी मिलेंगे। सो ये है ड्रैगन फ्रूट फ्रेश फ्रेश, और इसी के साथ साथ ये मिनी बनाना भी आपको मिल जाएंगे, मिनी बनाना है 1 यूरो 39 सेंट्स का, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे पोमीग्रेनेट भी मिल जाएगा, और मैंगो मैंगो के भी ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 फी लिखा हुआ है, यानी कि पर मैंगो आपको 2 यूरो 49 सेंट्स का मिलेगा, मतलब देखिए यार कितने महंगे हैं यहाँ पर मैंगो, हमारे सीजन में कितना सही मिल जाती हैं चीज़ें, सीजनल रहती है बट कितनी सही मिल जाती है, सही प्राइस में मिल जाती हैं। और यहाँ पे जैसे एक वाटरमेलन आप देख रहे हैं, ये स्मॉल साइज में है और इसका प्राइस है 4 यूरो 49 सेंट्स, मतलब एक वाटरमेलन आपको 4 यूरो 49 सेंट्स का मिल रहा है। और साथ में कीवी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि फॉरेन में आपको कीवी सस्ती मिल जाती है, जैसे यहाँ पर है ये लिखा है पर स्कूप आपको 99 सेंट्स का मिल रहा है, पर इससे भी लो प्राइस, जैसे मैंने आपको बताया ना कुछ अर्बन स्टोर्स में, तो वहां भी जाओगे आप तो वहां पे भी आपको इससे लो प्राइस में भी मिल जाएंगे। और साथ में जैसे ये वाले बनाना मैं लेके जाती हूँ तो इसका प्राइस है 1 यूरो 29 सेंट्स, मतलब अगर आप इसको लेते हो 1 kg, हाँ पर kg ये है 1 यूरो 29 सेंट्स का। जैसे ये जिंजर है तो ये आप मतलब किस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लेते हो, जैसे 1 kg का यहाँ पे प्राइस लिख रखा है, या इंग्वेर ये है 6 यूरो 99 सेंट्स का। सो अगर आप kg में लेते हो, अगर आप जैसे पर्टिकुलर से लेके जा रहे हो तो वो वहाँ पे वेट करते हो और फिर प्राइस अटैच कर देंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, पीछे रिसाइकिल की मशीन है, यहाँ पर हम बॉटल का ये पूरा कैन लेकर के आए हैं और कैसे रिसाइकिल करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ग्रोसरी स्टोर जब आते हो ना तो अपने साथ जो रिसाइकिल वाली बॉटल्स होती हैं, ग्लास की या प्लास्टिक की जो रिसाइकिल हो सकती हैं, क्योंकि उसमें रिसाइकिल का साइन दिया रहता है, तो आप उन बॉटल्स को थ्रो करने की बजाय आप यहाँ लेके आओ, आप प्लास्टिक की भी रिसाइकिल कर सकते हो, ग्लास की भी रिसाइकिल कर सकते हो। और ये इस तरीके से है तो हम ये पूरे का पूरा ये बास्केट इसमें रख देंगे। प्राइस आया है ये 3 यूरो 10 सेंट्स, तो यहाँ से आप टोकन लोगे और जब आप पेमेंट करोगे तो ये प्राइस आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो मुझे लेना है टोफू, यहाँ पे टोफू के भी ऑप्शंस हैं, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये भी है, सारे बायो के ही है, आप कोई भी ले सकते हो, अलग अलग प्राइस है। तो ये वाला है, इसका प्राइस है 2.19 और इसका भी 2.19, तो मैं एक ले लेती हूँ। So, मैंने ये वाला लिया है और इसका न्यूट्री स्कोर भी A है, बेस्ट बेस्ट। तो ये है यहाँ का मतलब फेवरेट प्रोडक्ट है जो कि बच्चे से लेके बड़े तक सब लोग पसंद करते हैं, न्यूट्रेला ब्रेड में, ब्रेड की स्लाइस में लगाकर और खाना बहुत पसंद करते हैं। तो ये अलग अलग फ्लेवर में आता है, सिर्फ वॉलनट फ्लेवर में है और सारे वॉलनट फ्लेवर नहीं है, और ये आपको मिल रहा है 450 ग्राम 3 यूरो 23, ये आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो यही खाकर मेरा शुगर बढ़ा था प्रेगनेंसी में। और यहाँ से मैं ले जाती हूँ एंजा के लिए फ्रेश फिश, क्योंकि सालमन फिश एंजा को पसंद है, और देखिए जो काउंटर है कितने फ्रेश और क्लीन है, कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं सब कुछ नहीं खाती हूँ, मीट में सी फूड एंड फिश एंड चिकन वगैरह मैं खा लेती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर खड़े होकर फील कर रही हूँ, मुझे एकदम जरा सा भी स्मेल नहीं आ रहा, एकदम फ्रेश, जैसे मैं और जगह खड़ी हूँ मुझे जैसा फील हो रहा है वैसे सेम यहाँ पर फील हो रहा है, तो ये चीज़ बहुत बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो यहाँ पर बहुत ढेर सारे ऑप्शन हैं, इतनी बड़ी फिश मैं जब केरला गई थी ना, मैंने वहाँ पे जो फिश खाई थी भाई, जो स्वादिष्ट फिश वहाँ पे मिलती थी ग्रिल करके रोस्ट करके, मजा आ जाता था खाने में, मतलब वो टेस्ट याद आ गया, खाया तो बहुत जगह है बट वो टेस्ट भूलता नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि बहुत सारी सॉस रखी है, ये सॉस है सारे सैलड्स की, आपको जो भी लेना है बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें सैलड सॉस के, जैसे ये टोमेटो फ्लेवर में है, सो ये ड्रेसिंग है 2 यूरो 49 सेंट्स की, और
ये काफी टेस्टी होती है। और इसके साथ साथ आपको कुछ ऑयल भी मिल जाएंगे जो फ्रूट से है, हनी है, ये वॉलनट का है। आंसा क्या कर रहे हो। और साथ ही साथ मैं एक और चीज आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर इस तरीके से आपको लेमन का ये मिल जाएगा, इसमें लेमन जूस है, मतलब आप डायरेक्ट इसको बिना किसी स्क्वीज के आप आराम से ड्रॉप्स डाल सकते हो, जो भी आपको जिस भी रेसिपी में या ब्रेड सैलेड वगैरह में यूज करना है तो ये डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। फ्रेश भी लेमन आपको मिल जाते हैं और आप ये भी यूज कर सकते हो, तो मैं मोस्टली फ्रेश यूज करती हूँ, बट जैसे एक ऑप्शन आप रख सकते हो, फ्रेश खत्म हो जाए तो ऑप्शन यूज कर सकते हो। और इसके प्राइस भी, जैसे ये छोटा वाला है इसका 69 सेंट्स है, और ये जो ग्रीन वाले लेमन आते हैं ये भी सेम प्राइस में है। तो मैं हूँ इस समय केचप के सेक्शन में, और ये है हेंस का टोमेटो केचप, ये है 4 यूरो 69 सेंट्स का, और इसका जो छोटा वाला है वो है 3 यूरो 49 सेंट्स का। और यही चीज आंसर भी साथ में है, इसलिए आप वॉइस थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, आंसर एंजॉय करिए ग्रोसरी टाइम, शॉपिंग टाइम। और ये बायो का है तो ये है 3 यूरो 99 सेंट्स में। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये वाली सॉस, ये मैंने जापान में भी देखी थी, वहीं से मैंने ट्राई की थी, ये आपको सब जगह मिल जाती है। तो ये सॉस भी बहुत अच्छी है, आप पिज्जा वगैरह में ऊपर से ड्रेसिंग करके, या फिर आप किसी भी चीज में अगर आपको थोड़ा स्पाइसी चाहिए, क्योंकि ये स्पाइसी होती है, तो आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, स्पाइसी सॉस चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। और ये आपको मिल रहा है 3 यूरो 49 सेंट्स में 60 ml। लेकिन जो मैं ले जाती हूँ वो ये है चिली सॉस, ये वाली है रेड वाली, ये ले जाती हूँ मैगी की। तो ये मैं जैसे कभी किसी पास्ता वगैरह में अगर मुझे थोड़ा टेस्ट इसका देना है, या फिर नॉर्मली मुझे खाना है डिपिंग वगैरह में, तो ये सब तरह से यूज हो जाती है, बहुत ज्यादा स्वीटनेस भी नहीं होती है, ठीक ठीक रहता है इसमें। तो ये है चिली सॉस जो कि है 2 यूरो 69 सेंट्स में। और इसके साथ साथ ना आपको ये जो करी सॉस है ना, ये भी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे आपको, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना सॉन्ट का जो फ्लेवर होता है, और अलग अलग फ्लेवर में आपको ये इस तरीके से मिल जाएंगे। जैसे अभी ऑफर लगा है किसी किसी में तो 1 यूरो 99 सेंट्स में है, और किसी का प्राइस है 3 यूरो 69 सेंट। या आई पिक दिस, बट यू कांट हैव, यू कांट हैव दिस, यू आर टू स्मॉल। यहाँ पर आपको ऑलिव्स के ऑप्शंस भी बहुत मिल जाएंगे, ऑलिव हेल्थ के लिए तो अच्छा होता ही है, आप ग्रीन भी ले सकते हो और जो ब्लैक में आता है वो भी ले सकते हो, जैसे ये है, ये वाला भी आप ले सकते हो। और जैसे ग्रीन में लेना चाहो, जैसे इसमें फिलिंग में है, ये कुछ फिल है इसके अंदर, कैरेट वगैरह है। और अभी जिस सेक्शन में मैं हूँ आप देख रहे होंगे मेरे आजू बाजू सब जगह ये सारी ऑलरेडी बॉयल्ड चीजें हैं, जैसे कि ये बॉयल्ड बीन्स होगी, आप डायरेक्ट इसे यूज कर सकते हो। और ये पीस हो गया है जिसका प्राइस है 2 यूरो 59 सेंट्स, और ये जो मिनी कैरेट है सैलड वगैरह के लिए, ये 1 यूरो 79 सेंट्स की है। आपको ऐसे ही ये राजमा वगैरह, और ये आपको चिक पीस वगैरह, आपको ये सब ऑलरेडी बॉयल्ड मिल जाएंगे, कॉर्न वगैरह भी आपको बॉयल्ड मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको पिकल्स के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे ये बीट रूट का है पिकल, ये आपको मिलेगा 1 यूरो 69 सेंट्स में। और इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग प्राइस में ऑप्शन है, बड़ा लोगे 2 यूरो अराउंड मिलेगा आपको। कॉर्नफ्लेक्स वगैरह बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी रेट में जाते हो तो ये मिलेगा आपको 14 यूरो से, यानी 15 यूरो से 16 यूरो। सो जो मैं प्रेफर करती हूँ, मैं ले जाती हूँ मोस्टली, मैंने ट्राई किए हुए हैं और भी, सब बहुत टेस्टी होते हैं, बट जो मैं लेके जाती हूँ ये है मोस्टली प्लस ड्राई फ्रूट्स और प्लस हनी, ये बहुत टेस्टी होता है। आप कोल्ड मिल्क के साथ या वार्म मिल्क के साथ आप इसको लो, बहुत टेस्टी होता है, हेल्दी भी होता है, ब्रेकफास्ट क्विक ब्रेकफास्ट आपका रेडी है इसके साथ। तो ये है आपका 2 यूरो 79 सेंट्स का। और इसके साथ साथ मुझे जैम भी लेना है, तो वैसे मैं बायो का लेती हूँ, बट आप कोई भी लो, या का लो, क्योंकि या भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे रेवे में जाओगे ना तो आपको या के प्रोडक्ट्स मिलेंगे बहुत सारे, तो वो प्राइस में भी ठीक होते हैं और क्वालिटी में भी अच्छे होते हैं। बाकी यहाँ पर जो मैं अभी पिक करूँगी, कोई भी मैं पिक कर लूँगी, जैसे बायो का मुझे मिल गया है तो मैं यही लेके जाती हूँ, तो यही वाला मैं पिक कर रही हूँ। अगर आप लोग मेरी तरह ब्लैक कॉफी के दीवाने हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, नेस्कैफे गोल्ड है, और जो हम इंडिया में नॉर्मली पीते हैं नेस्कैफे क्लासिक, ये भी मिल जाता है, बट मुझे गोल्ड बहुत अच्छी लगती है तो मैं गोल्ड ले जाती हूँ। और इसके अलावा अगर आपको ऑप्शंस देखने हैं तो मुझे, हाँ ये भी ऑप्शंस अच्छे हैं जैकॉब्स के, इसका भी टेस्ट अच्छा है, आप बिल्कुल ऐसे पाउडर में भी ले सकते हो और इसमें भी ले सकते हो उस तरीके से।
सो जो ये है इसका भी गोल्ड भी आता है, तो जैसे इसमें आप गोल्ड लोगे ना तो आपको 5 यूरो 49 सेंट्स का पड़ेगा। इसके प्राइस है नेस्कैफे गोल्ड के 11 यूरो 99 सेंट्स है। इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, आप ट्राई करिएगा अगर आप यहाँ पर हो तो। ये जो है ये आपका चॉकलेट मिल्क बनाने के लिए काम आता है और ये आपको मिलेगा 2 यूरो 69 सेंट्स में, जिसमें कि 10 आपको पाउचेस मिलेंगे। तो ये आप ट्राई करिएगा विंटर में खासकर, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप ये रख सकते हो अपने साथ। ये है इस स्टोर का ब्रेड सेक्शन। ऑलरेडी ब्रेड के ऊपर एक पूरा टॉपिक लेकर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिन्होंने नहीं देखा है वो देखिए। और साथ ही साथ जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, कॉमेंट्स करते रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। और इधर सेक्शन है आपका डिटर्जेंट वगैरह का। तो जैसे एरियल का आप पूरा ये वाला बड़ा वाला लेते हो, ये आपको 4 लीटर का मिल रहा है, ये 19 यूरो 99 सेंट्स का है। और मैं ले जाती हूँ इस पी का 4-in-1, तो ये है 3 यूरो 99 सेंट्स में। और ये है बेबी का फ्रॉश में, फ्रॉश ब्रांड का 1 यूरो 99 सेंट्स का, ये आप यूज कर सकते हो बेबी क्लोथ्स के लिए। यहाँ पे आपको ना 2 यूरो से 3 यूरो के अंदर आपको किचन टिश्यूज मिल जाते हैं। मैं ये वाला ले रही हूँ, यही लेती हूँ, 2 यूरो 45 सेंट्स का मिलता है। बाकी आपको इस सेक्शन में बेबी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, बेबी प्रोडक्ट्स है, सैनिटरी प्रोडक्ट्स है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और इसमें जैसे कि मैं बेबी के लिए जो बॉडी वॉश एंड शैम्पू लेती हूँ, ये है 7 यूरो 45 सेंट्स का, ये मैं लेके जाती हूँ अभी फिलहाल मेरे पास है। बाकी ये सारी आपकी फेस क्रीम, नैपी क्रीम, ये सब ऑप्शंस में है। तो मैं एक नैपी क्रीम पिक कर लेती हूँ क्योंकि ये मैं हमेशा स्टॉक में रखती हूँ पहले से ही, और ये एक्स्ट्रा भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि जब भी आप डायपर लगाते हो हमेशा यूज करते हो। ये मैं पिक कर रही हूँ एंजा के लिए ट्रीट से, जब हम ट्रैवल में जाते हैं उसको बिजी करना होता है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले उसको एक दिया था, तो ये कभी कदार के लिए बच्चे को खुश करने के लिए ये ट्रीट्स भी अच्छी है, हेल्दी बच्चों के लिए ये, तो आप ये ले सकते हो। एज ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिल जाती है, यहाँ पर भी है, डीएम में भी है, बेबी प्रोडक्ट्स और ये सारी चीजें आपको डीएम में भी अच्छी उसमें मिल जाएंगी क्वांटिटी में। तो फिलहाल मैं ये बनाना फ्लेवर पिक कर रही हूँ एंजा के लिए। इधर है ये, मैं आपको दिखाती हूँ, ये होल सेक्शन है पास्ता का जिसमें कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मेरे सामने एक ये बहुत ही प्यारा ऑप्शन रखा हुआ है, सैलेड पास्ता, मतलब ये सैलेड में यूज किया जाता है, इसके साथ आप उसमें पोर कर लो जो ड्रेसिंग वगैरह होती है और उसके साथ साथ आप उसमें सैलेड वगैरह यूज करके बहुत यम्मी बनता है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और जैसे कि ये है स्पेगेटी, इसमें डिंकल लिखा है यानी कि ये वीट से बनी हुई है, बट इससे भी जो हेल्दी है, मतलब अगर आप कंपेयर करोगे तो ये है, ये होल वीट से बनी हुई है, न्यूट्रिस्कोर सी है, बट इट्स बेटर देन अदर प्रोडक्ट्स, मतलब जो आप वाइफ में लेते हो तो उससे ये काफ़ी बेटर है। और इसके साथ साथ मुझे जो लेना है वो मुझे ये लेना है, क्योंकि ये वाला जो पास्ता है ना, इसमें मैं भी आपको दिखाऊंगी जो यहाँ पर फ्रोजन स्पिनिश मिलती है, गार्लिक और वो स्पिनिश इसमें ऐड करके बॉइल करके इसको, और इसमें ऐड करके बहुत टेस्टी पास्ता बनता है। तो ये मैं ले रही हूँ, बाकी मेरे पास अच्छा खासा कलेक्शन रहता है पास्ता का, तो अभी मुझे लेने का जरूरत नहीं है। तो चलते हैं दूसरे सेक्शन में। और हाँ, दूसरे सेक्शन में जाने से पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे फ्लेवर की प्यूरी वगैरह आपको मिल जाएगी जो कि आप पास्ता के लिए यूज कर सकते हो। तो मैं आपको प्राइस बता दूं, मैंने इसका प्राइस बताया आपको, इसका प्राइस है 1 यूरो 39 सेंट्स में, और जो मैंने बायो का आपको स्पेगेटी दिखाया है ये है 99 सेंट्स में, या और ऐसे ही प्राइस में है आपको 1 यूरो से लेके आपको 3 यूरो के अंदर काफी सारे वैरायटीज मिल जाएंगे। और इसका जो प्राइस है, अगर इसमें मैं किसी प्यूरी का, ये वाला प्यूरी का, इसमें टोमेटो कैरेट और ऑनियन का फ्लेवर है, ये है 3 यूरो 19 सेंट्स में। तो इस तरीके से आप अलग अलग फ्लेवर में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करके ले सकते हो। और चलते हैं आप किसी दूसरे सेक्शन में, और अब बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की। जो मैं मिल्क लेती हूँ वो मैं लेती हूँ टोन में, 1.5 फैट में, ये 1 लीटर है, और 1 लीटर है 99 सेंट्स में। आपको अदर और भी फैट के से ये है 3.5 में, ये है 1 यूरो 5 सेंट्स का, बट मैं ये प्रिफर करती हूँ, इसका न्यूट्री स्कोर भी ए है। तो ये हमें कितने लेने हैं, 1, 2, 3 ले लूं, ओके। और आप देखेंगे बहुत सारे फ्लेवर्ड मिल्क भी हैं, जैसे कि बनाना है, वॉलनट है, चॉकलेट फ्लेवर में है, वनीला फ्लेवर में है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। भाई यहाँ पर बहुत सारे मिल्क के फ्लेवर आपको मिल जाते हैं, और जैसे अगर आपको किसी मिल्क से कुछ बनाना है या जैसे आपको चॉकलेट मिल्क पीना है तो आप इसका बड़ा कैन भी ले सकते हो, इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। और इनके प्राइसेस आप देख रहे हो, ये 1 यूरो से 2 यूरो के बीच में ही प्राइसेस इसके हैं। और साथ में हम जो योगर्ट लेते हैं, योगर्ट का पूरा चाहो तो वो एक छोटी बाल्टी सी आती है, वो भी आप ले सकते हो, बट जो हम लेते हैं वो लेते हैं
ये वाला, ये है 85 सेंट्स में। मैं वीडियो बनाते बनाते शॉपिंग भी कर रही हूँ अपनी, क्योंकि मुझे ये भी कंप्लीट करना है और वीडियो भी कंप्लीट करनी है, तो यार लाइफ बनता है इतनी एफर्ट के लिए, बिकॉज बंद होने वाला है स्टोर थोड़ी देर में, बट एफर्ट कर लेते हैं। और हाफ मस्ट ट्राई दिस स्कर्ट, ये हनी फ्लेवर है, लेकिन इसमें ही ड्रैगन फ्रूट का एक फ्लेवर आता है। जिन्होंने नहीं ट्राई किया प्लीज ट्राई करना, ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी है। मेरी अंजा भी इस टेस्ट को बहुत पसंद करती है योगर्ट के। तो इसमें आपको बेरीज का भी फ्लेवर मिल जाएगा, इसमें आपको हनी का फ्लेवर मिल जाएगा, इसमें आपको जैसे मैंने बताया ड्रैगन फ्रूट का फ्लेवर मिल जाएगा। इसका प्राइस है 2 यूरो 29 सेंट्स का। स्नैकी चीज़ें पसंद करते हैं तो आपको कुकीज चिप्स में भी ऑप्शंस बहुत मिलेंगे। साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पर ये कैंडी, भाई बहुत फेमस है, बहुत लोग इसके दीवाने हैं, बट मैं ये आंसर को ट्राई नहीं कराने वाली हूँ, बचा के रखने वाली हूँ आंसर को। इससे पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लगती, और मुझे लगता है कि उतनी हेल्दी भी नहीं है ये चीज़, बट ठीक है, जो खाते हैं वो खाते हैं, पसंद करते हैं तो खाते हैं। बच्चों को जैसे अब एक बार टेस्ट लग गया तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि उसको टेस्टी ना कराया जाए। बट बड़े में तो बच्चा थोड़ा समझने लगता है, पर छोटे में बच्चे को समझा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप थोड़ा सा हेल्दी चीज़ों से थोड़ा सा उसको फ्रेंडली करो तो शुरू में ही वो एक माइंड सेट बन जाता है। लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये बहुत ही फेमस है यहाँ पर, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर। यस, कोको कोला यहाँ पर है 79 सेंट्स, इतना महंगा है ना, हमारे यहाँ सस्ती मिल जाती 20 रुपीज़, बहुत ज़्यादा इतनी बड़ी बॉटल। तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ के ऑप्शन है, ये मोज़रेला चीज़ है, इसके साथ साथ एक और ऑप्शन, इसमें 48% फैट है, इसमें 45% फैट है, ये है 1 यूरो 99 सेंट्स में। थैंक यू, 1 यूरो 99 सेंट्स में, ठीक है, वो मेरे लिए वेट करने लगे थे। ये रामा का बटर, ऐसे भी आप इसे ब्रेड में लगाकर इंजॉय कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ इसे आप कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं ये लेती हूँ इसके साथ साथ, ये है 1 यूरो 99 सेंट्स में, इसका भी ये भी ले रही हूँ 1.99, सेम प्राइस में ही है। जूस के देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं आपको एलबी का अगर प्राइस बताऊँ, ये मिक्स फ्रूट का है, इसमें वेजिटेबल भी है, कैरेट भी है, तो ये है 2 यूरो 49 सेंट्स का। दूसरी बात मैं आपको चलते चलते दिखा दूंगी निकलते समय कि यहाँ पे जूस मशीन भी लगी है, आप फ्रेश जूस भी निकाल सकते हो मशीन से। ये आप सेक्शन देखिए, यहाँ पर जब कभी मैं अकेले आती तो मैं पिक कर लेती हूँ, यहाँ पर जो ये वाइन बियर रम ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। कभी रवि आते हैं तो वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ से कलेक्शन उठा लेते, क्योंकि हमने घर में एक मिनी बार बनाया हुआ है कभी कदार एंजॉय करने के लिए ओकेजनली, तो हम यहाँ से भी ले जाते हैं और कभी कभी हम और अदर स्टोर से भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ एक साथ। और ये देखिए वाइन का सेक्शन, और कितना ब्यूटीफुल इसे डेकोर किया हुआ है, मस्त लग रहा है। और मतलब आप देख सकते हैं कि कितने हाई रेंज तक यहाँ पर लिकर हैं, ये देखिए, और ये 89 यूरो 99 सेंट्स, 229 यूरो 99 सेंट्स, 369 यूरो, वाह, 999 यूरो 99 सेंट्स। कुछ तो इन्होंने लॉकर के अंदर रख रखे हैं ऑप्शंस। जैसे मैं आई हूँ ग्रोसरी स्टोर में, ग्रोसरी स्टोर के अंदर का ही मैं ये पूरा काउंटर आपको दिखा रही हूँ, और बहुत सारे लेकर के मैंने आपको ऑप्शंस दिखाए, उनके प्राइसेस आपको बताए कि कहाँ तक इतने हाई रेंज, तो उससे भी हाई रेंज में यहाँ पर लेकर हैं, बट सब कुछ एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपको जनरली ऐसे दिखा दे रही हूँ कि कितने सारे ऑप्शन है एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर। बहुत ही नॉर्मल है, ये किसी के कल्चर को अडॉप्ट किया हुआ नहीं है, इस पर भी अगर देखा जाए तो एक लंबा वीडियो बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे कल्चर ये इनका बहुत ही एंशियंट कल्चर है, और ये लोग बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं, बट एंजॉय करते हैं, एक एक ग्लास लेके बैठ रहेंगे और घंटों बातें करते रहते हैं। यहाँ पे आपको फ्रोजन चीजों में आपको पिज्जा भी फ्रोजन मिल जाएगा, जैसे आप ऑप्शन रख सकते हो कि जब कभी आपका मूड है, रैंडम आपके पास ऑप्शन फ्रिज में है और आपने उसको थोड़ा सा ओवन में आपने उसको थोड़ा बेक कर लिया और फिर आप इंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे उसके प्राइस है, जैसे अभी ऑफर चल रहा है 2 यूरो में, 1 यूरो 99 सेंट्स में, ऐसे ही आपको 5 यूरो 4 यूरो के अंदर और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। फ्रोजन वेजिटेबल्स के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर आप पीस लेते हो मटर, मटर आपको ऐसे काउंटर पे, मतलब जहाँ पे वेजिटेबल्स होगी वहां पर आपको ना ऐसे जैसे हमारे यहाँ किलो के हिसाब से मिलती है वैसे नहीं मिलेगी, सीजनल हमारे यहाँ बहुत अच्छी मटर मिल जाती है, फ्रोजन भी मिलती है, पर सीजनल हम यूज ज्यादा करते हैं, तो यहाँ पर हमें फ्रोजन मटर लेनी होती है, तो मैं पिक कर लेती हूँ फ्रोजन मटर। और इसके साथ साथ जैसे कि ये भी आप बीन्स भी ले सकते हो, रीजन है कि ये भी आपको मतलब कम क्वांटिटी में मिलती है, तो ये आप पैकेट ले सकते हो ऑप्शन में।
अभी मेरे पास है इसलिए मैं वो नहीं ले रही हूँ। बाकी मैं यहाँ से, जैसे मैं आपको बता रही थी ना, ऐसे स्पिनच क्यूब्स होते हैं ये, जो बहुत इजी होता है बनाने में। रैंडम आपको क्विक कोई रेसिपी बनानी है या जैसे पास्ता वगैरह मैं बनाती हूँ तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो अपनी रेसिपी में और मेल्ट हो जाता है बहुत ही जल्दी। तो ये अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आप इस तरीके से ये ले सकते हो, आलू की टिक्कियाँ आपको ऐसे रेडीमेड बनी हुई मिल जाएंगी जिसका न्यूट्री स्कोर है बी, तो आप ले सकते हो। ये काफ़ी टेस्टी होती है, बर्गर वगैरह बनाना है ये भी ट्राई करिएगा। इसमें क्रीम होती है, स्पिनच होता है और ये होता है कार्टोफेल यानी कि पोटैटो का, और इसका न्यूट्री स्कोर है सी। तो कभी कभार स्नैक्स के रूप में रेडीमेड स्नैक आपके लिए है रेडी ओवन में, या फिर आप इसको थोड़ा सा फ्राई करके पैन में और फिर इसको ट्राई करना, बहुत टेस्टी होता है। सो दिस इज फॉर 2 यूरो 69 सेंट्स एंड दिस इज फॉर 1 यूरो 99 सेंट्स, तो 1 यूरो से 3 यूरो के बीच आपको मिल जाएगा। समर सीजन जैसे कि अब धीरे धीरे एंड होने को आ रहा है, तो सीजन के जाते आइसक्रीम कैसे छूट सकती है, तो मैं यहाँ से पिक कर रही हूँ यहाँ से। आइसक्रीम मिनी चोको काफी टेस्टी होती है, आप इसे ट्राई कर सकते हो, मतलब इस सीजन में एक बार तो ट्राई करना पड़ता है। इसका प्राइस है 2 यूरो 69 सेंट्स। तो यहाँ पर ये मशीन है और इस तरीके से आप यहाँ पर बॉटल्स ले सकते हो, ये वैकेंट बॉटल्स मिल जाएंगी आपको, बॉटल रखिए और यहाँ पर आप जूस निकाल सकते हो, फ्रेश जूस निकाल के और फिर काउंटर में ले जाकर आप उसकी बिलिंग करा सकते हो। और यहाँ पर आपको ये आइस वगैरह भी मिल जाएगी। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है, आपको यहाँ पर किसी भी स्टोर में अगर वीडियो वगैरह शूट करनी है ना, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी होती है, नहीं तो लोग थोड़ा सा सरप्राइज एक्सप्रेशन देने लगते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर काउंटर में पहले परमिशन ली, उन्होंने बोला ठीक है ओके है आप बना सकते हो। यहाँ पर कुछ ऐसे बटर हैं जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा फैट होता है उसमें, 30% अराउंड फैट होता है, तो उससे आप घर में भी घी बना सकते हैं। बट जैसे इतना टाइम नहीं है, मैं भी इंडियन स्टोर से ही ले लेती हूँ घी वगैरह, तो इसके साथ साथ आपको और भी प्रोडक्ट्स इंडियन स्टोर में मिलते हैं। बट आपको सब चीज़ों के लिए इंडियन स्टोर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको खुद जर्मन स्टोर में मिल सकती है, जैसे मैंने यहाँ से लिया है। तो आपको इंडियन ग्रोसरी जो आपको फ्लावर हो गया, आपको राइस हो गया, आपको इंडियन चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इंडियन स्टोर से ही लेनी होगी। और वहाँ पर फ्लावर वगैरह आपको यहाँ भी मिल जाएगी, पर हमें बहुत अच्छे ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखे, वो छोटे छोटे आपको पैकेट्स मिलेंगे जर्मन स्टोर में फ्लावर के। बट अगर आपको फ्लावर लेना है 5 kg 10 kg इस तरीके से, तो आप इंडियन स्टोर से पिक करो, बेटर है। हमारी शॉपिंग हो गई, हम घर आ गए, हमने सोचा कि हमने क्या बाय किया आज, वो भी आपको दिखा देते हैं। और साथ ही साथ जो मेन चीज मुझे इस वीडियो में बतानी थी कि यहाँ पर जो सिंगल बंदा है या फैमिली के साथ है, या जैसे फैमिली थोड़ी बड़ी है, तो मतलब क्या एक्सपेंस होते हैं ग्रोसरी, जर्मन ग्रोसरी को लेकर मंथली क्या एक्सपेंसेस हैं। तो अगर सिंगल बंदा है तो उसका मंथली एक्सपेंस बैठेगा 100 यूरो से 200 यूरो अराउंड, और अगर बंदा फैमिली के साथ है तो 200 से आप 300 या 400 मैक्स 400 तक के बीच में ले लो, और अगर फैमिली जैसे बड़ी है तो आप 200 से 500 के बीच में ले लो। बाकी चीज़ें सब्जेक्टिव हैं, आप भी जानते हो। और इसके साथ साथ जो इंडियन ग्रोसरी है उसका अलग, अब ये चीज़ें सारी सेट होंगी और आगे का जो हमारा कार्य शुरू होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।